हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, आपकी फेवरेट शो अनुपमा की धमाकेदार अपडेट लेकर एक बार फिर हाजिर है, जहां आपको देखने को मिलने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। भाई काव्या कुछ काफ़ी धमाल करने वाली है, जैसे कि अब अनुपमा के लिए भाग जाते पूरा परिवार वाले और उसका सर्जरी भी होने वाली है। लेकिन हॉस्पिटल में भी उसका तमाशा खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि राखी से इतना भड़का देगी कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट ऐसी हो गई वैसी हो गई, वो तो मजे लेने में एक्सपर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अनुपमा के जानबूझकर ऐसा करने का इल्ज़ाम लगाया काव्या, और इसके बाद जो होगा वो तो हमें सबको ही पता है। काव्या को कोई पसंद नहीं कर रहा है और यही वजह बनेगी कि यहाँ पर काफी तमाशा हमें हॉस्पिटल में देखने को मिलने वाला है। वनराज पहले उसे चुप करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो चुप होने वाले से है नहीं, तो वो यहाँ पर अब नन नई नवेली दुल्हन काव्या को पढ़ने वाला है जोरदार तमाचा। अब बा ने उसका स्वागत तो नहीं किया, लेकिन इसकी पूजा जरूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, बा को बहुत ही बुरा गुस्सा आएगा कि अनुपमा के लिए काव्या कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रही है, और वनराज की मनाने के बाद भी वो चुप नहीं हो रही, और बा को बहुत ही बुरा गुस्सा आएगा और उसको जोरदार तमाचा मार देंगे। और इसके बाद उसको सबक सिखाएंगे और कह देंगे कि अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकती ना कुछ किसी के लिए, तो तुम बुरा भी मत करो और तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन काव्या कहाँ जाने को तैयार होती है और पड़ जाता है जोरदार थप्पड़, और इसके बाद भी राखी उसके मजे लेते हुए नजर आती है। अब काव्या ठान लेती कि इस सब चीजों का तो मैं तुमसे बदला जरूर लेके रहूंगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ ठान रखा है कि अब शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी, तो अब देखना मैं तुम लोगों का क्या हल करती हूँ। अब तो मैं काव्या वनराज सा बन चुकी हूँ, और अब तो मैं बहुत ही बुरा करने वाली हूँ तुम लोगों के साथ। तो काव्या यहाँ पर बा को धमकाने की कोशिश भी करेगी, और यहाँ पर वनराज को ये सब चीज सुन लेगी। उसके बाद ने वनराज भी उसको अच्छा सा खासा सबक सिखाएगा, तो बा तो बिना कुछ सोचे समझे उसको जोरदार थप्पड़ मार देगी और उसका स्वागत करेगी। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग होगी आगे के एपिसोड भी, तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।